हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय? कैसे हो आप लोग दोस्तों? क्या हाल चाल है आप सभी के? सब बढ़िया, सब मस्त? मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। चलो, जो कल पढ़ा था एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? जो जो भी हमने कल पढ़ा था एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हियर वी गो। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल नंबर 13। क्या कहता था आर्टिकल 13? कि चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कोई भी लॉ चाहे संविधान के पहले आया हो या कोई भी लॉ संविधान के बाद आया हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा तो वो वॉइड होगा। अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा तो वॉइड होगा, आर्टिकल 13 कहता था। आर्टिकल 14 कहता था, ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता था जल्दी से बताओ? आर्टिकल 14 कहता था दोस्तों, आर्टिकल 14 कहता था दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी की बात करता था। कहता था कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहता था कि स्टेट किसी भी सिटीजन को मना नहीं करेगी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत देश की टेरिटरी में किसी भी सिटीजन को मना नहीं करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन को मना नहीं करेंगे, मतलब इसमें सिटीजन भी आ गए, फॉरिनर भी आ गए, कंपनी भी आ गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया था हमने? ये अंग्रेजों से लिया था, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया था। ये कहता था किसी को नहीं देंगे, कहता था नहीं देंगे किसी को स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, चाहे उसका कोई भी रैंक हो, कोई भी स्टेटस हो, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, कहता था इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता था कि इक्वल को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, जैसे मर्दों को अलग ट्रीटमेंट, महिलाओं को अलग ट्रीटमेंट, बच्चों को अलग ट्रीटमेंट, बुजुर्गों को अलग ट्रीटमेंट, यानी कि महिलाओं के लिए अलग लॉ, पुरुषों के लिए अलग लॉ, बच्चों के लिए अलग लॉ, बुजुर्गों के लिए अलग लॉ, सीए के लिए अलग लॉ, सीएस के लिए अलग लॉ, कंप्यूटर के लिए अलग लॉ, टीवी के लिए अलग लॉ, घड़ी के लिए अलग लॉ, चश्मों के लिए अलग लॉ, इक्वल को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। ये हमने अमेरिका से लिया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता था किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो, मतलब सबके लिए लॉ एक बराबर होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ने कहा इक्वल को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। फिर हमने आर्टिकल 15 कल देखा था। आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता था दोस्तों? आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 1 कहता था स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सरकार किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सरकार किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, चाहे आप कोई भी गोरे हो, काले हो, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, आप मेल हो कि फीमेल हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो, ये सब बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन नहीं करेगा? सरकार नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। अच्छा सुनना, अपने आशीष सर है ना, अपने आशीष सर है ना, वो यूनिक एकेडमी में उसी को फैकल्टी बनाते हैं अपने आशीष सर, जो जो गोरा हो, काला ना हो। आशीष सर उसी को फैकल्टी बनाते हैं यूनिक एकेडमी में जो गोरा हो, काला ना हो। मुझे बताओ, क्या हम आशीष सर पे केस कर सकते हैं? हमारा आर्टिकल 15 ब्रीच हो रहा है इसीलिए, बताओ जल्दी से बताओ। आशीष सर यूनिक एकेडमी में उसी को फैकल्टी बनाते हैं जो गोरा हो, काला ना हो, क्या हम आशीष सर पे केस कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 15 ब्रीच हो रहा है? क्या हम आशीष सर पे केस कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले ये देखो कि क्या आशीष सर स्टेट है, क्योंकि ये किस कौन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लिखा है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सबसे पहले ये देखो कि क्या आशीष सर स्टेट है, अगर हाँ तो हम केस कर सकते हैं, अगर नहीं तो केस नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किसको नहीं करना है? स्टेट को। जल्दी बताओ, तो आशीष सर स्टेट है? आंसर इज नहीं, आंसर इज नहीं, आशीष सर स्टेट है ही नहीं। अरे जब आशीष सर स्टेट नहीं है तो आशीष सर पे केस ही नहीं हो सकता ना। आशीष सर जब स्टेट नहीं है तो आशीष सर पे केस नहीं हो सकता बेटा। आशीष सर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मैंने काम वाली बाई उसी को बनाया जो कुंवारी थी, या मैंने काम वाली बाई उसी को बनाया जो क्या कहते हैं गोरी थी, क्या काली बाइया मेरे पे केस कर सकती है? नहीं।
तो बात समझो, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल की मर्जी है भाई, वो जिसको अपॉइंट करना चाहे करे, उसकी मर्जी है, मर्जी है उसकी, उसकी मर्जी है, वो जिसको अपॉइंट करना चाहे करे। बात समझ रहे हैं? प्राइवेट में ये रूल नहीं लगते, ये लॉ सरकार के लिए है भैया। तो सरकार किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। करेक्ट है? ओके। रेणुका कहती है और टीचर करे, तो टीचर भी अगर आप देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल करे, गवर्नमेंट कॉलेज करे, तो आप केस कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में कुछ नहीं हो सकता, प्राइवेट में कुछ नहीं हो सकता रेणुका जी। चलिए नेक्स्ट है, सरकार किसी सिटीजन को रोकेगी नहीं किसी भी शॉप में जाने से, किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से, ठीक है, किसी भी शॉप में जाने से, किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से, सरकार किसी भी सिटीजन को नहीं रोकेगी किसी भी शॉप में जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से, यू नो होटल में जाने से। सरकार के द्वारा बनाया गया कुआं है, पानी की टंकी है, बेतिंग घाट है, आप यूज करना चाहते हो, बिंदास करो, बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15(2) कहता था कि किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, डिसेबिलिटी, मतलब कुछ रोका नहीं जाएगा कोई भी शॉप में जाने से, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से। सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कुआं है, पानी की टंकी है, नहाने की जगह है, रोड है, रिजॉर्ट है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ, मस्त नहीं यूज करो, एक नंबर मस्त नहीं यूज करो। अब सुनना, मेरे घर में ना मैंने एक कुआं बनाया, कुआं, अब आप जबरदस्ती वो कुएं को यूज करना चाहते हो, मैं कह रहा हूं भाई मैं नहीं करने दूंगा, आप कह रहे हो भैया आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि कुआं यूज कर सकते हैं, बताओ क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो? क्या जल्दी से बोलो, क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो? जल्दी से बोलो। यस्टरडे लेक्चर इज अपलोडेड बेटा यूट्यूब में है, देखो आप। क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो? आंसर इज नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज कुआं सरकार का थोड़ी है, कुआं सरकार का हो तो आप यूज कर सकते हो भैया, मेरा बनाया हुआ है पर्सनल कुआं है, मैं और मेरी बीवी वहां पे छलांग लगा के नहाते हैं नीचे, छलांग लगा के नीचे नहाते हैं, कई बार तो उसको वहीं छोड़ के आ जाता हूं जब ज्यादा हरकतें करती है वो, ठीक है। तो भैया मेरी मर्जी, मेरा कुआं, मैं जो करना है करूं, ठीक है। अच्छा मेरे मेरा कोई यू नो मेरे घर में मैंने रोड बनाया हुआ हूं, मेरे घर में वो यूज करना चाहते हो, तुम नहीं कर सकते, बात समझ रहे हो? सरकार के द्वारा बनाया हुआ रोड है, सरकार के द्वारा बनाया गई पानी की टंकी है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ बेतिंग घाट है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ रिजॉर्ट है, तो तुम बिल्कुल यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो फिर भैया प्राइवेट इंडिविजुअल के ऐसे घर में तुम नहीं घुस सकते, ठीक है भाई। ओके, तो ये बात आपको क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा ओके, हर्ष कह रहा है सर आपकी और मेरी हेयर स्टाइल सेम है, आपकी और मेरी हेयर स्टाइल सेम है, हर्ष कहता है। तो हर्ष अपन क्या करें अभी बताओ, सेम पिंच करू तेको आके, पढ़ाई करना हर्ष मेरी जान, आ जाओ नेक्स्ट है, आ जाओ नेक्स्ट है 15 सब आर्टिकल 3, नेक्स्ट है 15 सब आर्टिकल 3, आ जाओ। तो यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था, नया आज शुरू करो, कायदे से देखा जाए तो नया आज शुरू करो, ये तो जो कल पढ़ा था वही सब रिवाइज कराया मैंने, है कि नहीं। चलो अब आते हैं 15 सब आर्टिकल 3 पे, 15 सब आर्टिकल 3 कहता है कि वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, अंडर 15 सब आर्टिकल 3 स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, मर्दों की तो इज्जत ही नहीं है ना हमारे देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वाह भैया। महाराष्ट्र में होता है मुलगी शिखली प्रगति जाली, मतलब बेटी ने पढ़ ली तो प्रगति हो गई, बेटों के लिए कुछ नारा ही नहीं है बे, कुछ नारा नहीं है, बेटे तो गवार होते हैं, तो जितना ही पढ़ ले जितना ही पढ़ ले है रहेंगे तो गवार, ज्यादा पैसा कमा ले तो बाप का पैसा है, पैसा नहीं है तो गवार है बेटा, है कि नहीं। बेटों के लिए कभी सरकार स्पेशल लॉ नहीं बनाएगी, लड़का किसी लड़की को 15 सेकंड घूर ले ऑफेंस है, लड़की उसके सामने लड़के को घूरे जाए ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तुमने अभी वो देखा ना नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा को वो आरजे कोई तो थी, उसके सामने कैसे कैसे उसको सिड्यूस कर रही थी, है वो लड़की करे तो नहीं, और यही अगर मान लो कोई लड़की जीती होती जेवलिन थ्रो और लड़के ऐसा कर देते, बवाल हो जाता भाई साहब देश में, बवाल। तो हमारे देश में आर्टिकल संविधान ही कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, संविधान ही खुद कहता है कि हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या हो सकते हैं, स्पेशल लॉज बन सकते हैं, बात समझ रहे हैं क्या।
हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या बन सकते हैं, जल्दी बताइए, स्पेशल लॉज बन सकते हैं हमारे देश में, किन के लिए भैया, महिलाओं और बच्चों के लिए ना, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल लॉज बन सकते हैं, किन के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, क्या नाम था उसका, मलिश्का, जो भी था नाम, जो भी था नाम, ठीक है, रेनू का कहती है जाने दो राइट्स है ना, हाँ कहते रेनू का कहती है जाने दो, फंडामेंटल राइट तो है ना, महिलाओं के लिए ज्यादा है वैसे, है ना जी। सो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं। तुम्हें पता है हमारे देश में पहले ऐसा कानून था, तुम्हें सुन के शायद आश्चर्य हो, कि जैसे मान लो सौमिल सर है अपने, ठीक है, आज मिलाता हूँ तुम्हारे को सौमिल सर से, 8 बजे आएंगे ना वो अपने, मान लो सौमिल सर है, अब मान लो उनकी वाइफ है, ठीक है, मान लो उनकी वाइफ है, अब उनकी वाइफ और मेरा वैसा वाला संबंध है, मतलब पहले ऐसा लॉ था कि अगर मान लो मैं सौमिल सर की वाइफ से वैसे वाले संबंध रखना चाहता हूँ, समझ रहे हो कैसे वाले, समझ रहे हो वैसे वाले, मैं सौमिल सर की वाइफ से गिली गिली कुछ कुछ करना चाहता हूँ सौमिल सर की वाइफ के साथ, तो पहले ऐसा लॉ था कि मुझे सौमिल सर की परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैंने सौमिल सर की बिना परमिशन के उनकी बीवी के साथ भली बीवी की मर्जी से गिली गिली कुछ कुछ कर लिया, तो बीवी को कुछ नहीं होगा, मेरे को जेल होगी भाई, लड़का जेल जाएगा, लड़की को कुछ नहीं होगा, कानून था हमारे देश में, कानून पहले ऐसा था, पहले पुरानी बात है, कि लड़की को कुछ नहीं होगा, लड़का जेल जाएगा, कहाँ का न्याय है भाई साहब ये, लड़की को भी जेल भेजो, पहले कहने का मतलब पहले हमारे देश में अडल्ट्री अलाउड नहीं थी, अगर आप शादीशुदा हैं तो बाहर किसी के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, शादीशुदा व्यक्ति को कहीं और संबंध रखना ऑफेंस था, जेल थी इसकी, जेल, लेकिन अलाउ कर दिया गया इसको 2020 में, इसको अलाउ कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि अब अडल्ट्री अलाउड है, अब शादीशुदा व्यक्ति किसी के साथ अगर कैसे भी संबंध रखना चाहे, गिली गिली कुछ कुछ करना चाहे, कि कुछ कुछ करना चाहे, कि नुच नुच करना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है, हाँ इसके बेसिस में उसका पार्टनर उसको डिवोर्स जरूर दे सकता है, इसके बेसिस में उसका पार्टनर उसको डिवोर्स जरूर दे सकता है ना। तो भगवान, मान लो अपनी क्लास में भावेश है, भावेश, भावेश की जो बीवी है, मान लो भावेश की बीवी जो है वो, मान लीजिए ऐसा कि भावेश की बीवी शांतनु के साथ, समझ रहे हो, मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना, तो भावेश की बीवी शांतनु के साथ लगी हुई है, आले चले तुम्हें ओयो में, अब ये शादीशुदा है भावेश और उसकी बीवी, भावेश शादीशुदा है, लेकिन भावेश कुछ नहीं कर सकता, ये अब अडल्ट्री अलाउड है, भावेश ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स दे सकता है बस, लेकिन अभी उसकी ना तो बीवी जेल जाएगी ना तो शांतनु जेल जाएगा, पहले ऐसा था कि शांतनु जेल जाएगा और बीवी को कुछ नहीं होगा, पहले ऐसा था, हाँ 2019 में आया था, आई एम सो सॉरी, 2019 में आया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये बेसिकली वोमेन के लिए, देखो स्पेशल लॉ ये किसके लिए, वोमेन के लिए। सो हमारे देश में वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि वोमेन और चिल्ड्रन के लिए हमारे देश में स्पेशल लॉज बन सकते हैं। 15(4) क्या कहता है, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 कहता है, मैस की आग, आईपैड, मेरा आईपैड आईपैड डिस्चार्ज हो गया, चलो कोई नहीं, जब तक ऐसे ही पढ़ो। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 कहता है कि हमारे देश में SC ST और सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है, जनरल कैटेगरी तो ये डी है, सॉरी कौन याद कर रहा है भाई, चलिए नाउ ध्यान देना, ध्यान से सुनना सब लोग, 15 सब आर्टिकल 4 कहता है कि SC ST और सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है, किसके लिए, SC ST और सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है, जनरल कैटेगरी AD। वाह भैया वाह, किसके लिए, SC ST और सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए सरकार जो है स्पेशल लॉ बना सकती है ना। मेरे हिसाब से ये आर्टिकल बड़ा गलत है, मेरे हिसाब से तो ये आर्टिकल नहीं होना चाहिए यार, जाति के बेसिस में आप ऐसा क्यों करते हैं यार, आर्थिक रूप से कीजिए ना, पैसों के रूप में कीजिए ना, जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दीजिए ना, है ना। तो ये आर्टिकल बड़ा वाहियात आर्टिकल लगता है मेरे को, कि भैया जाति के बेसिस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉ बना सकती है, 15(4) कहता है।
बहुत बढ़िया, इसमें थोड़ी कम चोट पहुंचती है 15(4) में, ठीक है, स्पेशल लॉ बन सकते हैं, चल ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी बन रहे थे, तुम्हारे लिए भी बन सकते हैं, चल इतना दुख नहीं हुआ 15(4) में। 15(5) ज्यादा दुखदायक है, 15(5) ज्यादा दुखदायक है। 15(5) कहता है, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 कहता है कि एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए रिजर्वेशन होगा। वाह भैया, एस 15(5) कहता है कि एससी एसटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, या आईपैड को क्या हुआ भाई, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा, हो रहा, हुआ हुआ, हुआ। 15(5) कहता है कि एससी एसटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा 100 नंबर लाए वो क्वालिफाई नहीं होगा, और एससी एसटी बैकवर्ड क्लास में से कोई व्यक्ति 80 नंबर ला ले वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पढ़ाई में आपने रिजर्वेशन ला दिया। दो बच्चे, एक बच्चा कम मेहनत कर रहा है वो आगे निकल रहा है, एक बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आगे नहीं निकल रहा है। वाहियात कानून नहीं लगता आपको ये? वाहियात कानून नहीं लगता ये आपको ये? अरे रिजर्वेशन लाओ ना, आर्थिक रूप से लाओ ना, मना का है? रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी गरीब आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिजर्वेशन आप उनको दो जिनको जरूरत है एक्चुअली। अरे कई एससी एसटी ऐसे भी है जिनके पास करोड़ों रुपए, उनको ये रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और बेचारे जनरल कैटेगरी के कई गरीब लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते उस कारण। समझ रहे हैं? पढ़ाई में तो ये होना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई में तो ये होना ही नहीं चाहिए। और आपको लकी, आपको अपने आपको लकी मानना चाहिए कि आप सीएस कर रहे हो। सीएस में पढ़ाई में कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, सबको 200 में से 100 नंबर लाने सीएसईटी के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं है, हमारे सीएसईटी में ये नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव में ना प्रोफेशनल में, सीए सीएससीएम है, किसी एग्जाम में नहीं है। लेकिन बाकी आप डॉक्टरी डॉक्टर में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, हर जगह आपको रिजर्वेशन दिख जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। चलिए एनीवे, वी कांट डू, वोट बैंक बन चुके हैं इसलिए गवर्नमेंट अभी उसको हटाती नहीं है। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग, सो ठीक है, नौ ध्यान देंगे सभी लोग दोस्तों। तो ये 15 सब आर्टिकल, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 कहता है, हाँ फीस कंसेशन मिलता है, फीस कंसेशन मिलता है अगर आप सी ए सी एस सी एम एम है, फीस कंसेशन मिलता है। चलिए तो 15 सब आर्टिकल 5 कहता है कि एस सी एस टी बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए रिजर्वेशन सरकार ला सकती है, ठीक है? रिजर्वेशन जो है सरकार ला सकती है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए। अच्छा 15 सब आर्टिकल 6 ये आया था जनरल कैटेगरी के लिए, वो भी 2019 में बड़े मशक्कत के बाद, बड़ा हाथ पैर जोड़ने के बाद, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने ये लेके आया जनरल कैटेगरी में जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है। देखो दिस मेक अ सेंस, नाउ दिस मेक अ सेंस, ये सेंस की बात है कि जनरल कैटेगरी में जितने गरीब लोग हैं, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के अलावा जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, मतलब जिनके पास पैसे कम है, आर्थिक रूप से कमजोर है जितने व्यक्ति, उनके लिए लाया गया था कि उनके एडवांसमेंट के लिए सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है, और उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन होगा, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन होगा। ये डिसाइड हुआ था 15 सब आर्टिकल 6 में। जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं जो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उन लोगों के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन होगा। एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन को कितना रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए कितना रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन को एज पर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6? तो आंसर इज 10%, आंसर इज 10%। एक बार पूरा आर्टिकल 15 देखते हैं मजेदार तरीके से, आ जाओ। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 कहता था किसी भी सिटीजन के साथ सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये था 15 सब आर्टिकल 1। 15 सब आर्टिकल 2 कहता था कि किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा कोई भी शॉप यूज करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट यूज करने से, होटल यूज करने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस यूज करने से, पानी सरकार के द्वारा बनाया गया कुआं, रोड, पानी की टंकी,
रिजॉर्ट, बेथिंग घाट आप सब यूज कर सकते हैं। 15 सब आर्टिकल 3 ने कहा वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं 15 सब आर्टिकल 3 ने कहा। 15 सब आर्टिकल 4 ने कहा कि एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन स्पेशल लॉ बन सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। 15 सब आर्टिकल 4 ने कहा कि एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं। 15 सब आर्टिकल 5 ने कहा कि एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए सरकार रिजर्वेशन ला सकती है, स्पेशल लॉ बना सकती है। और 15 सब आर्टिकल 6 जो कि 103rd अमेंडमेंट 2019 में संविधान को अमेंड किया गया और डाला गया ये आर्टिकल 103rd अमेंडमेंट में, और इसमें बोला गया कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, 103rd अमेंडमेंट था ये 2019 में ऐड हुआ, और बोला गया जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है अदर देन एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास, अदर देन एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है उनके एडवांसमेंट के लिए सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है। और साथ ही साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन होगा। कितना होगा? 10% रिजर्वेशन होगा, ठीक है, 10% रिजर्वेशन होगा। सिद्धि कह रही है 15-5 और 15-5 में क्या डिफरेंस है, 15-5 और 15-5 में क्या डिफरेंस है, ये नशा करना है एक बार मेरे को। तुम पूछो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है, ये नशा करना है एक बार मेरे को भी। सर कंप्यूटर और कंप्यूटर में क्या फर्क है, सर मून और मून में क्या फर्क है, वैसे ही 15-5 और 15-5 में क्या फर्क है। अबे डिफरेंस उन चीजों में होता है जो सोचे अलग हो। सिद्धि जी ये नशा कराओ यार एक बार, एक ये नाशा एक बार तो करना लाइफ में, ठीक है। तो ये जो है भैया ध्यान देना। चलिए ओके, सो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, यस, तो दिस वाज आर्टिकल 15। कोई कह रहा है कि एक बार सर पूरा देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ एक बार पूरा देख लेते हैं, फास्ट, वेरी फास्ट आ जाओ। 15 सब आर्टिकल 1 ने क्या कहा था कि सरकार किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सरकार किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 15 सब आर्टिकल 2 ने कहा कि किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा किसी भी शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से। सरकार के द्वारा बनाया गया कुआं है, पानी की टंकी है, बेथिंग घाट है, रोड है, रिजॉर्ट आप यूज कर सकते हो। 15 सब आर्टिकल 3 ने कहा कि वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, वोमेन और चिल्ड्रन के लिए 15-3 ने कहा। 15-4 ने कहा एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, ये 15-4 ने कहा। 15-5 ने कहा कि एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और 15-6 ने कहा कि जितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है अदर देन एससी एसटी ओबीसी, अदर देन एससी एसटी एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन हो सकता है। कितना रिजर्वेशन हो सकता है? 10% रिजर्वेशन, ठीक है। आसान है, बिकॉज मैंने सारे रिवाइज करा दिए। सिद्धि कह रही है सर बाद में सॉरी बोला, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अरे सिद्धि जी मस्ती कर रहा था मैं। ओके सिद्धि जी कोई दिक्कत नहीं। सिद्धि जी ओके, सिद्धि जी देखो मैंने सारे डिफरेंस बताए। देखो 15-3 ने कहा वुमेन चिल्ड्रन के लिए बन सकते हैं स्पेशल लॉ, 15-4 ने कहा एससी एसटी बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, 15-5 ने कहा एससी एसटी बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं, और 15-6 ने कहा एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के अलावा जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन होगा। कंफर्टेबल, आगे बढ़ते हैं। चलिए मूविंग ऑन गाइस, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे को बताओ ये एकदम क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ यहां तक पूरा आर्टिकल 15 कंठस्थ क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताओ अच्छे से क्लियर हुआ क्या दोस्त? जल्दी बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताएंगे सब लोग, कम ऑन टेल मी फास्ट। पक्की बात है? चलो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू मैं कराऊंगा ना, डोंट वरी। चलो अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 बात करता है सरकारी नौकरी की।
बेटा सरकारी नौकरी सबको पसंद है, बताओ बताओ। हाँ जल्दी बताओ, सरकारी नौकरी सबको पसंद है क्या? बोलो, सरकारी नौकरी किसको नहीं पसंद? देखो ये होता है भाई सरकारी नौकरी से, देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो, सरकारी नौकरी है भाई की, बंदी देख लो। और हम देखो इधर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, 26 साल का हो गया हूं, इतनी अच्छी जॉब है, सीएस हूं, अच्छा खासा कमा लेता हूं, घर है, गाड़ी है, ऐसी वाली दिला दो भाई कोई। छोड़ो, ये देखो, ये देखो भाई को, देखो बीवी देखो कितनी सुंदर मिल गई है, देख लो सरकारी नौकरी का फायदा, इसलिए कहता हूं पढ़ लो। चलो ये तो ठीक है, अच्छी, ये तो लड़के की अच्छी खासियत है जो इससे शादी की है। चलो ये सही है, देखो भाई ये देखो, ओ हुस्न परी, ओ जाने जहां, ओ सबसे हसी, ओ सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। और वो देखो मिस्टर अय्यर बैठे हैं वहां, अय्यर और बबीता की जोड़ी है भाई, ये तो बबीता से भी प्यारी लग रही है। कहाँ मिलते हैं भाई ऐसी वाली, किधर मिलती है बताओ मेरे को, मेरे को भी ढूंढना है किधर मिलती है बताओ यार। ये सरकारी नौकरी के फायदे हैं पता है, ये फायदे हैं सब सरकारी नौकरी के, पता है आपको, ये सब सरकारी नौकरी के फायदे हैं। ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, सुषमा 39 साल की अविवाहित सरकारी नौकरी वाली महिला को मर्द चाहिए। ए भाई मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये लड़की, मेरे को नहीं चाहिए, अपनी क्लास में जितने लड़के हैं देख लो भाई, तुम्हारे को चाहिए तो देख लो। क्या कह रही है सुषमा, सुषमा कह रही है 39 साल की अविवाहित सरकारी नौकरी वाली महिला को मर्द चाहिए, इसकी शादी नहीं हुई है, 39 साल की, इसको मर्द चाहिए भाई। सॉरी आंटी, सॉरी 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 डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, भैया हमारे को नहीं चाहिए। ओके कोई कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पगले हो गए क्या भाई। ये देखो गवर्नमेंट जॉब इफेक्ट, वो देखो टैंकर बैठा हुआ है और इधर पिचकारी, कहाँ टैंकर कहाँ पिचकारी, देखो देख लो भाई देख लो, ऐसा लग रहा है पर्वत है और ये पत्थर, इतना बड़ा फर्क है। देखो भाई का पेट तो देख लो भाई का, ओ हो, 4 बच्चों का बाप लगता है, ऐसा लगता है 4 बच्चे हैं इसके पेट में। ठीक है भाई क्या ही करें, ये देखो आहा ओहो, ये देखो ये सब सरकारी नौकरी के इफेक्ट हैं। ठीक है ये सब क्या है जी, सरकारी नौकरी के इफेक्ट हैं ये सब भाई, ठीक है समझ रहे हो, ये सब के सब जो है ना सरकारी नौकरी के इफेक्ट हैं भाई ये, ठीक है सारे के सारे ये ओहो देख लो भाई, ये सब सरकारी नौकरी के इफेक्ट है, इसलिए सरकारी नौकरी सबको चाहिए। और सरकारी नौकरी की बात करता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो बात करता है वो सरकारी नौकरी की करता है, किसकी बात करता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो बात करता है ना ये बात करता है सरकारी नौकरी की, ठीक है भाई साहब, ये किसकी बात करता है जी, सरकारी नौकरी की बात करता है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है अब ध्यान देना सब लोग। हर्ष कहता है पिचकारी में पानी की कमी नहीं होगी कभी, इतने गंदी सोच वाले लोग हैं, देखो उसने क्या क्या सोच लिया। देखो मैंने वो कहा था ना वो अंकल मोटे को टैंकर और ये पिचकारी, कहता है पिचकारी में पानी की कमी नहीं होगी, गंदे लोग हैं गंदे लोग, देखो इनकी सोच देखो। चलिए ओके शांतनु कहता है चलिए भाई ओके, अभी ध्यान देना सब लोग। सरकारी नौकरी की बात करता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है कि आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 कहता है, ध्यान देंगे सभी लोग, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 गारंटीज ऑल सिटीजन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। 16 सब आर्टिकल 1 कहता है कि सरकारी नौकरी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का मौका मिलेगा, मौका सबको बराबर का मौका मिलेगा भैया सरकारी नौकरी में, बात समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये 16 सब आर्टिकल 1 कहता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी है सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, सब अप्लाई कर सकते हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं, सब सब मतलब सब, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 16 सब आर्टिकल 2 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के साथ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ कौन
कौन से बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? रिलीजन, धर्म के बेसिस पे, रेस गोरे काले के बेसिस पे, कास्ट जाति के बेसिस पे, सेक्स मेल या फीमेल या अदर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ कहां पैदा हुए इसके बेसिस पे, या प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहां रहते हो इसके बेसिस पे। प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस में क्या फर्क है? जहां पैदा हुए वो प्लेस ऑफ बर्थ, जहां रहते हो वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। सो जहां पैदा हुए वो प्लेस ऑफ बर्थ, जहां रहते हो वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो हमारे देश में सरकारी नौकरी के केस में किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सबको बराबर का मौका मिलेगा, 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 ठीक है। 16th आर्टिकल 1 ने कहा सबको मौका देंगे, और 16th आर्टिकल 2 ने कहा किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। देखो 15 में प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं था, वहां सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ तक था, यहां पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस अलग से ऐड हुआ है, ठीक है जी। तो ये देखो बड़ी सिंपल सी बात थी है। अब ध्यान से सुनना सब लोग, अब सब लोग ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना। अब आते हैं इसके एक्सेप्शन। यहां तक तो बड़ा अच्छा अच्छा लगा, यहां तक आईसीएसआई ने खिलाई लड्डू, अब पिलाएगी काढ़ा। यहां तक तो संविधान ने खिलाया लड्डू आपको, कहता है सब अच्छा अच्छा दिखाया, सब अच्छा अच्छा दिखाया भाई साहब। देखो देखो ये मेरी एक्स के समान है, सब अच्छा अच्छा दिखाया स्टार्टिंग में। तो कहता है भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब ये अपने रंग दिखाएगा, यहां तक तो सब अच्छा अच्छा दिखाया, अब अपने रंग दिखाएगा। आओ इसके रंग देखते हैं। 16th आर्टिकल 3 कहता है कि किसी जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हम बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई बेवड़ा है, उसने बचपन से आज तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ दारू पिया और कुछ नहीं किया आज तक जीवन में उसने। वो चला गया किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, कहता है मैं बनूंगा कलेक्टर। वो बेवड़ा कहता है मैं बनूंगा कलेक्टर। कहता है कि भाई आप ही ने लिखा आर्टिकल 16 में कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो भाई मेरे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? मैं बेवड़ा हूं इसलिए मैं कलेक्टर नहीं बन सकता। उसको समझाया, अबे झंडू चमन चंदू तू एग्जाम तो दे तब जाके तेरे को कलेक्टर बनाए। कहता मैं बनूंगा कलेक्टर। अबे तो बेवकूफ इंसान तू एग्जाम देना। कहता नहीं नहीं आर्टिकल 16 ए में लिखा है कि किसी के साथ किसी सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, मेरे को भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। कहता डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मेरे को क्यों नहीं बनने दे रहे कलेक्टर। तो उसको बोला अबे बेवकूफ इंसान 16.3 पढ़ तू। 16.3 कहता है किसी स्पेसिफिक जॉब को लेके कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताई जा सकती है कि कलेक्टर की जॉब करनी है तो ये क्वालिफिकेशन क्लियर करो, सीएस की जॉब करनी है ये क्वालिफिकेशन क्लियर करो, डॉक्टर की जॉब करनी है ये क्वालिफिकेशन क्लियर करो। कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताई जा सकती है, ये कहता है 16th आर्टिकल 3। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगे, सरकारी नौकरी है तो कोई भी पालेगा भैया। हो सकता है आपको कोई क्वालिफिकेशन क्लियर करना पड़े, कोई डिग्री लेना पड़े, उसके बाद जाके आपका अपॉइंटमेंट हो या उसके बाद जाके आपको नौकरी मिले, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिले, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है और सही भी है ना, इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। श्रुति चौरसिया रोज बस 7:45 बजते नहीं कहती अब बस। मैडम जी, ओ श्रुति चौरसिया जी, किससे बॉयफ्रेंड से बात करनी है क्या? श्रुति चौरसिया जी बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं जब मैं मैराथन लूंगा आप ऐसे आधे घंटे में बोलोगे बस तो कैसे चलेगा? तो चौरसिया जी आप क्या करना, रिकॉर्डेड देख लेना, कहां जा रहे हो सेठ? मैं जाऊंगा मेरा लेक्चर, हाँ तो मैं समझ ले अभी तो यहीं पे हूँ, मैं जाऊंगा, हाँ समझ ले, हाँ चलिए अभी ध्यान देंगे सभी लोग आ जाइए ना, ध्यान देना। सो अरे चौरसिया जी ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करने का चौरसिया जी, ठीक है चौरसिया जी, ओके चौरसिया जी, चलिए ओके ना, ध्यान देना एवरीवन, ओके अच्छा अब ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है
अब ध्यान से सुनना, अरे यार मैं मैराथन वैराथन लूंगा तो ऐसे करोगे तुम लोग आधे घंटे में? बस सर हो गया सर, ऐसे करो तो मजा नहीं आएगा भाई, एकदम रेडी रहने का। सर पढ़ाओ, आप कितना पढ़ाते हो हमें ना, पढ़ते हैं आपके साथ मस्त एक नंबर, ठीक है? सो दिस शुड बी द अप्रोच, राइट? ऐसे करोगे तो यार मैं ना बता रहा हूँ गुस्सा हो जाऊंगा अभी। चलो ओके, नाउ द 16C3 ने बहुत सही बात किया, कहता है कि कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए, कोई स्पेसिफिक जो काम के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बता सकते हैं कि सीएस की जॉब करनी है तो भैया ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कलेक्टर बनना है तो ये क्लियर करना पड़ेगा, सीएस करना है तो ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सही भी है ना, गलत क्या है? सही भी है भाई। तो ये किसने कहा? 16 सब आर्टिकल 3 ने कहा। ये किसने कहा था जाने मन? 16 सब आर्टिकल 3 ने कहा था बेबी। आसान है, चलो नेक्स्ट है 16 सब आर्टिकल 4। 16 सब आर्टिकल 4 कहता है बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। वाह भाई वाह, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, मतलब सरकार बोल सकती है कि 1 लाख जॉब हम सिर्फ बैकवर्ड क्लास को देंगे, बस और किसी को नहीं। सरकार ने कह दिया 20% जॉब हम सिर्फ बैकवर्ड क्लास को देंगे, ऐसा हो सकता है? बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, 16-4 कहता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो अपने रंग दिखा रहा है अभी, बहुत बढ़िया। 16-4A कहता है कि SC ST के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 16-4 ने कहा बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया। 16-4A ने कहा कि SC ST के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। यहां नहीं रुके ये लोग, यहां नहीं रुके, ना 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 ना, ऐसा नहीं कि यहां रुक जाए, ना 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 ना, कहां, अभी तो रुकना बनता ही नहीं इनका। 16-3 ने कहा था कि कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, ये तो अच्छा है, सही भी है कि डॉक्टर वो बने जो MBBS क्लियर हो, CS वो बने जिसके पास ICSI की मेंबरशिप हो, ये तो सही भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है। 16-4 ने कहा बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, सरकार ऐसा बोल सकती है कि 20% जॉब हम बैकवर्ड क्लास को देंगे, सरकार ऐसा बोल सकती है 20% जॉब हम SC ST को देंगे। 16-4 ने बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया, 16-4A ने SC ST को रिजर्वेशन दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां नहीं रुके ये लोग, अब आया 16-4B, ये भाई साहब का भी स्वागत कर लेते हैं। 16-4B कहता है कि SC ST और बैकवर्ड क्लास को आपने जितनी जॉब दी थी एक साल में, अगर कुछ बच गई तो उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मान लो सरकार ने 1 लाख जॉब लाई 2020 में SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए, 1 लाख जॉब, लेकिन कारण किसी कारणवश 80,000 जॉब फिलअप हुई, 20,000 जॉब फिलअप नहीं हो पाई, तो अगले साल जब सरकार 1 लाख जॉब लाएगी उसमें ये 20,000 प्लस कर दोगे, मतलब अगले साल उनको कितनी जॉब मिलेगी? 1,20,000। 16-4B कहता है, 16-4B कहता है कि जितनी भी जॉब एक साल में फिलअप नहीं हो पाई, जितनी भी जॉब एक साल में फिलअप नहीं हो पाई, जितनी भी जॉब एक साल में फिलअप नहीं हो पाई, जितनी भी जॉब है एक साल में अगर फिलअप नहीं हो पाती तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, सक्सेडिंग ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब समझ रहे हो इसका? मतलब इसका क्या है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान सा मतलब है, बड़ा सिंपल है ये। ये कहता है भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अगर मान लो सरकार ने 2016 में SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए मान लो 10 जॉब लाई थी, मान लो ऐसा सिर्फ 10 जॉब लाई थी, 5 फिलअप हुई, 5 रह गई, तो अगले साल जब 10 लाएंगे ना तो उसमें ये 5 जो पिछले साल बच गई थी उसको ऐड कर दो, मतलब अगले साल कितनी देंगे? 15। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मान लो सरकार ने इस साल 10% जॉब लाई SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए, अब 5% ही फिलअप हुई, कितनी बच गई? 5। नेक्स्ट ईयर भी 10 लाई तो 5% ऐड कर दो, मतलब आपने इस साल ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जितनी बचते जाएगी नेक्स्ट ईयर ऐड होते जाएगी, जितनी बचते जाएगी नेक्स्ट ईयर ऐड होते जाएगी। ये है 16-4B। तालियां बजा दो भाई, तालियां तालियां बजा दो, नहीं बजा दो तालियां, ठीक है? तो ये भैया देख लो यार, ऐसे हैं हमारे कानून, समझ रहे हैं? ऐसे कानून है, बहुत बढ़िया। सरकारी जॉब देखो, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब के लिए ये सब, सरकारी जॉब 16-4 ने कहा बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देंगे सरकारी जॉब में, 16-4A ने कहा SC ST को रिजर्वेशन देंगे सरकारी जॉब में, 16-4B ने कहा कि एक साल में अगर कुछ जॉब फिलअप नहीं हो पाई तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। वाह भाई वाह, ये 16-4B ने कहा। फिर आया 16-5। 16-5 ने कहा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद
चर्च गुरुद्वारे जिन्हें हम कहते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन, जिन्हें हम कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में अगर कोई ऐसा लॉ बनता है कि वही व्यक्ति मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को मैनेज करेगा जो उस जाति का हो, जैसे हमने लॉ बनाया कि मंदिर में पंडित वही बनेगा जो हिंदू हो, हमने लॉ बनाया मस्जिद में मौलाना जी वही होंगे जो मुस्लिम हो, हमने लॉ बनाया चर्च में चर्च में फादर वही होगा जो क्रिश्चियन हो और गुरुद्वारे में वही लोग काम करेंगे जो सिख हो, ऐसा लॉ वैलिड होगा कहता है, ऐसा लॉ इनवैलिड नहीं होगा, ये अलाउ किया गया, ये अलाउ किया गया 16.5 ने, 16.5 ने बोला ऐसा लॉ रखना अलाउड है कि मंदिर में पंडित वही बने जो हिंदू हो, वहां पे कोई मुस्लिम ये नहीं बोल सकता मेरे साथ जातिवाद हो रहा है, वो अलाउ किया संविधान के 16 सब आर्टिकल 5 ने कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे यानी कि जितने रिलीजियस डिनोमिनेशन है वहां पे आप ऐसा लॉ बना सकते हो कि वही व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का हो, वही व्यक्ति वहां पे प्रैक्टिस करेगा, वही व्यक्ति वहां पे कामकाज करेगा जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है। मंदिर के बारे में किसको ज्यादा पता, पंडित को, मस्जिद के बारे में किसको ज्यादा पता, मौलाना जी को, क्रिश्चियन को ज्यादा पता चर्च के बारे में, सिख को ज्यादा पता गुरुद्वारे के बारे में, तो ये लॉ कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। 16.5 ने कहा, ये किसने कहा, 16.5 ने कहा। और लास्ट आज का जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है इनको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 15.5, 15.6 जो था, 15.6 वो किसके बारे में बात करता था, 15.6 बोलता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन को एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन है, लेकिन 16.6 कहता है जॉब देने के लिए रिजर्वेशन है 10% का, जॉब देने के लिए, दोनों में फर्क है। 15.6 ने एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया था 10%, और ये 16.6 सरकारी जॉब की बात करता है, सरकारी जॉब के लिए 10% रिजर्वेशन होगा, सरकारी जॉब के लिए बात करता है 10% रिजर्वेशन होगा। एक बार पूरा आर्टिकल 16 रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 16 का क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है किसी भी सिटीजन के साथ सरकारी नौकरी जब भी देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ये 16.1 ने कहा। 16.2 ने कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सरकारी जॉब देते समय किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। 16.3 ने कहा किसी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट के लिए, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए क्वालिफिकेशन सरकार डिसाइड कर सकती है, सही भी है कि सीए वही बने जो आईसीएआई का मेंबर हो, सही है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास को जॉब देने के लिए रिजर्वेशन हो सकता है 16.4 ने कहा। एससी एसटी को जॉब देने के लिए रिजर्वेशन हो सकता है 16.4A ने कहा। अगर एक साल में कुछ कैटेगरी की जॉब फिलअप नहीं हो पाई तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 16.4B ने कहा। एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के केस में कुछ एक साल में कुछ जॉब नहीं फिलअप हो पाई तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि नेक्स्ट ईयर जितनी आएगी उसमें पिछले साल की बची हुई एड हो जाएगी, ये 16.4B ने कहा। 16.5 ने कहा कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में हम ऐसा लॉ बना सकते हैं कि वही व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा जो उस पर्टिकुलर धर्म का हो, जैसे हिंदू में मंदिर में पंडित वही बने जो हिंदू हो, मस्जिद में मौलाना जी वही हो जो मुस्लिम हो, ऐसा लॉ अलाउड है, ऐसा लॉ अलाउड है, ऐसा लॉ अलाउड है। और लास्ट 16.6 ने कहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन को जॉब देने के लिए, जॉब देने के लिए 10% का रिजर्वेशन हो सकता है, जॉब देने के लिए 10% का रिजर्वेशन हो सकता है, जॉब देने के लिए, जॉब 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 जॉब, ठीक है, ठीक है, जॉब देने के लिए, ठीक है दोस्तों भैया याद रखना रिजर्वेशन हो सकता है। हाँ 16.3 सबके लिए बेटा, क्वालिफिकेशन सबके लिए रहता है बेटा हर्ष, है ना। तो ये बेसिकली हमारे देश में है आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और इसी के साथ हमारा आर्टिकल 16 भी हो जाता है समाप्त, है ना जी। तो ये 15 और 16 आज आप रिवाइज करेंगे, कल मैं रिवाइज कराऊंगा, आज रात को 8 बजे इतना बड़ा सरप्राइज है जो आज तक कभी नहीं हो पाया, और रात को 10 बजे उससे भी बड़ा सरप्राइज है, दो सरप्राइज है आप लोग के लिए, 8 बजे एक सरप्राइज, 10 बजे दूसरा सरप्राइज, 8 बजे यूट्यूब पे, 10 बजे जूम पे, बिल्कुल मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना,
और मजा आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। वो सिटीजन के लिए, आर्टिकल 16 15 दोनों सिटीजन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है बेटा, है ना। तो ये मेरे दोस्तों, यस आज 15 और 16 हुआ, इसको मैं, आप लोग एक बार घर पे रीड करोगे, कल मैं रिवाइज करा दूंगा, जिसको कोई कंफ्यूजन होगा बाय चांस, तो मैं अभी डाउट नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कल आते बराबर मैं 15 और 16 रिवाइज करा दूंगा, तो आपको कोई डाउट भी होगा बाय चांस तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी एक बार घर पे आप लोग रीड करोगे, ये आपको कंपलसरी करना है। 8 बजे मिलेंगे हम लोग सरप्राइज के लिए, और रात को 10 बजे भी मिलेंगे, आज तो दो दो बार मिलेंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, चलो ठीक, ओके जाने मन, ठीक है जाने मन, ओके स्वीट हार्ट, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है जी। चलो गाना सुनाओ क्या, चलो सब सारे कह रहे सॉन्ग 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 सॉन्ग। चलो दो लाइन सुनाता हूँ प्यारी सी, सुनाओ दो लाइन प्यारी सी सुनाता हूँ तुम्हारे को, सुनिए भाई सुनिए भाई, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत पहले सुनता था मैं, आजकल बहुत दिनों से नहीं सुना। सुनिए दोस्त, अरे 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 एक मिनट सुनो, सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना, हो कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफ सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तू इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा, रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जा गिरे बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे, दिल से हो दिल तक जो बयां, आशिक दिल तेरा पुराना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना, हो कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ चाहे अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है। चलिए ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय अब्बर सर लेक्चर, यू हैव टू वॉच दैट कंपलसरीली, वी विल बी मीटिंग एट 8 PM एंड देन एट 10 PM, यू डोंट हैव टू मिस दैट अनाउंसमेंट एट एनी कॉस्ट, राइट। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, विल मिस यू गाइस, टाटा बाय।